प्रकाश नहीं है, वे इस समूची सृष्टि संसार में प्रकाश भले फैला दे, लेकिन वह प्रकाश कोई काम का नहीं है। जो परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए अंतर में अभ्यास नहीं करता है, सत्संग ध्यान नहीं करता है, सतगुरु से दीक्षा लेके ध्यान नहीं करता है, वे मानव इस संसार में सारी की सारी देवी देवताओं तीर्थों में जाके पूजा करते हैं, भ्रमण करते हैं। संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि वे देखावटी है, उससे अधिक लाभ मिलने वाला नहीं है, उससे थोड़ी लाभ मिलने वाला है। अगर अधिक लाभ चाहना चाहते हैं, अधिक लाभ की चाहना है, तो अंतर में अभ्यास कीजिए। अंतर में परम प्रभु परमात्मा की जो भक्ति है, साधना है, किसी सच्चे संत महापुरुषों से जाके दीक्षा लीजिए, और वे जो भी सदगुरु, वह वहां चली गई जहां म्युनिसिपैलिटी का पोल था, बिजली बत्ती जल रही थी। वह ढूंढने लगी सुई को। एक सज्जन उस होकर के गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि माता जी क्या ढूंढ रही हैं। बोले कि बेटा मेरी सुई खो गई है। उनके दिल में दया आ गई, वो भी ढूंढने लगे, मदद करने लगे। एक और सज्जन आ गए, उसने पूछा कि आप लोग क्या खोज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। तो वो भी ढूंढने लग गए। उसी समय एक और सज्जन आए, वो पूछते हैं कि आप लोग बहुत देर से कुछ खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, जो अभी तक वह चीज़ मिली नहीं। इन लोगों ने कहा कि माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। उस सज्जन ने पूछा कि माता जी आपकी नज़र कमज़ोर हो गई होगी, इसीलिए सुई नहीं मिल रही है। हम लोगों को बता दीजिए कि वास्तव में सुई गिरी कहाँ है, हम सब के सब नज़र वहीं गड़ा के देखेंगे, अवश्य सुई मिल जाएगी। तो वो बूढ़ी माता जी ने कहा कि बाबू मेरी सुई फलाने गली में गिरी है। बोले अरे सुई गिरी है गली में, ढूंढ रहे हैं यहाँ। बोले गली में अंधकार है और यहाँ प्रकाश है, इसीलिए यहाँ खोज रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जिन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वह वस्तु वह सुख बाहर में नहीं है, अंतर में है। वह क्या चीज है, कहते वही प्रकाश है और शब्द है। इसी की खोज गुरु महाराज ने की, उसको मिला और उन्होंने प्रचार किया इसका कि संसार के किसी वस्तुओं में सुख नहीं मिल सकता, यदि मिलेगा तो अंतर में मिलेगा। इस प्रकाश को पाने के लिए भगवान श्री राम ने भी कहा है, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरंतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान बुद्ध के पास एक वेश्या पहुंची, उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे अंधकार को दूर कर दीजिए, मैं ज्ञान अवस्था में पड़ी हूँ, मेरे अंदर प्रकाश कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा यदि तुम्हारे पड़ोस में कोई दिया जलावे, क्या तुम्हारे घर में प्रकाश होगा। उसने कहा नहीं। तो बोले तब क्या करना होगा। बोला मैं अपने घर में जब जलाऊंगी तब घर में प्रकाश होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि स्वयं दिया जलाओ, आत्मदीपो भवः, अपने से प्रकाश करना होगा। प्रयास आपका रहेगा, कृपा गुरु महाराज की रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।